आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। दूध, प्याज, आलू सब महंगा, टमाटर कुछ भी ले लो, इतनी महंगाई। कांग्रेस के टाइम में कभी भी इतनी महंगाई नहीं थी जितना अब आम आदमी परेशान हो रहा है। मोदी जी को शर्म करनी चाहिए कि हर रोज एक ना एक वो ऐसा बोल देते हैं जिसे आम आदमी इतना परेशान है कि बेचारा मरने को बेताब हो रहा है। एक गरीब आदमी प्याज नहीं खा सकता। सरकार उस टाइम थी वो इकोनॉमिक्स की सरकार थी, ठीक है, अर्थशास्त्रियों की सरकार थी। पी चिदम्बरम थे उसमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी जी थे। तो उस टाइम बड़े लोगों को इसीलिए निकलने आते थे क्योंकि सवाल सीधे उनसे होता था। लेकिन अब ये जो सरकार है जिसका कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो आदमी नज़र आते हैं वो देश का ऑलरेडी सत्यानाश करने में लगे हैं। तो आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप डायरेक्टली सवाल करें कि पेट्रोलियम मिनिस्टर से करना चाहते हैं आप, या आप अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से करना चाहते हैं। तो इसलिए तो फिर जनता ही उतरेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है जो प्रॉब्लम है वो जनता के लिए ही है। तो बड़े चेहरे जो थे वो एक स्टेज बना रहे थे पिछली बार, पिछली सरकारों के टाइम पे, कि मुझे याद है वो दाल के भी जो बड़े थे तो वो सारे वो प्लास्टिक के वो पैन पहन के, हेमा मालिनी भी सड़कों पर थी, जिनको शायद अगर आप आज पूछें कि तब क्या दाम था जब आप बैठी थी और आज क्या दाम है जब आप दोबारा बैठे, जब जनता बैठेगी, बैठ रही है, तो उनके पास उसका जवाब नहीं होगा। पर क्योंकि वो भेड़ चाल है कि सब बैठ रहे थे इसलिए वो भी बैठे। लेकिन आज जब आज का जो सवाल है, आज का मुद्दा ये है कि अब महिलाओं को ऑलरेडी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में लगातार 150 रुपये से ऊपर आप बढ़ा चुके हैं, तो इस इतना जल्दी जल्दी जो है ना शॉक दीजिए, धीरे धीरे दीजिए, पर इस तरह से शॉक मत दीजिए कि मतलब लोग ये सोचते कि जब तक मैं एक मैनेजमेंट करता हूँ तब तक दूसरा मैनेजमेंट मेरे सर आ जाता है। तो वो मैनेजमेंट जो है वो महिलाओं को समझने दीजिए, जो कमा के दे रहा है उसको भी समझने देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। अब भैया बजट ही खराब हो गया, हर बजट खराब हो गया है। आदमी कमाते हैं, घर नहीं चल पाता है। जिसके दो बच्चे हैं वो भी भूखे हैं, जिसके पांच हैं वो भी भूखे हैं। आज के टाइम कुछ नहीं है, आज के टाइम सिर्फ महंगाई, चूल्हा नहीं चल रहा है किसी का। गरीब आदमी तो परेशान है, बड़े भी परेशान ही है, नहीं कम, हर तरफ मंदी मंदी है। पहले देश के बच्चे काम काज सी थे, आज के सब बेरोजगार हैं, सब नशे पते कर रहे हैं। किसके कारण? मोदी जी के कारण। उस टाइम में स्मृति ईरानी प्याज डाल के घूमती थी, आज कहाँ गई? आज कहाँ गई जब हर एक महिला परेशान है, हर एक घर परेशान है? आज स्मृति ईरानी कहाँ सो गई है? हम सबकी क्यों नहीं सुन रही है वो? जब तो बड़े मटके उठा उठा के फोड़ती थी, अब कहाँ चले गए वो मटके? मटकों का दाम देख लो, 200 रुपए का मटका हो रहा है, अब कहाँ गए? सस्ते हो गए मटके। पहले प्याज हम इतना करेंगे इतना करेंगे, अब 100 से भी ऊपर, 150 रुपए किलो प्याज कोई खा रहा है आज के टाइम में? सिर्फ मंडी बेचने वाला ही परेशान है, लेने वाला ही परेशान है। कहीं भी जा लो बहुत बुरा हाल हो चुका है। और जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसमें हमारा कभी भी कोई गरीब आदमी परेशान नहीं था। ये विधानसभा चुनाव नहीं होने चाहिए बल्कि सेंट्रल इलेक्शंस होने चाहिए ताकि प्रधानमंत्री बदला जाए। ये जो प्रधानमंत्री है ना, बीजेपी पार्टी इट्स अ सेल्फ मेड पार्टी है। और ये जो सीए, ये सीए का जो निकाला हुआ है एनआरपी, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड है ये सब। और ये माइनॉरिटी के ऊपर आ रहे हैं ये लोग। पहले इन्होंने मुसलमानों को अटैक करा है, बाद में ये लोग सिखों को अटैक करेंगे। ये इसकी चाल है लोगों को, मुसलमानों को भगाने के लिए बाहर से। और ये जो गैस सिलेंडर ये जो महंगा हुआ है, ये जो प्रधानमंत्री है इसको बदलना पड़ेगा। सेंट्रल इलेक्शंस दोबारा होने चाहिए। भाई भाइयों को जो मिला रहा है, हिंदू मुसलमानों में जो ये आग लगा रहा है, ये देश हित में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है हमारी बेइज्जती करा रहा है। ये प्रधानमंत्री केवल फेकू राम है, एक नंबर का बातें फेंकता है, लोगों को भ्रमित करता है, लोगों को कभी भी जो है रिलीव नहीं देता ना। आज तक 5 साल में इसने कोई भी जो है विकास का कार्य नहीं किया है, केवल मंच पे जाके फेंकता है और जो है अपने भाड़े के टटुओं से मीडिया को जो है चलाता है। मैं खुलेआम से जो है इसको चैलेंज करता हूँ, अगर ये प्रेस निष्पक्ष भाव से खड़े होकर बातों को, लोगों की समस्याओं को इसके सम्मुख रखे तो ये जो है इस सीट पर रहने लायक ही नहीं है। को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि इन्होंने क्या करा है। प्याज के दाम ऐसे कर दिए कि लोगों को प्याज भी जो है लॉकरों में रखनी पड़ रही है। इतने महंगा, सोने से भी ज़्यादा महंगा हो रहा है प्याज। खाने के लिए प्याज नहीं मिल रहा आज लोगों को। आप सिलेंडर देखा होगा आपने, स्मृति ईरानी जब 300 रुपये का सिलेंडर था तब चूड़ियाँ लेके
कि यहाँ पे इस सरकार कांग्रेस सरकार को चूड़ियाँ पहनाएंगे, इतनी महंगा दाम कर रखा है इन्होंने। आज वही सिलेंडर 1000 से ऊपर पहुँच गया है, क्या ये नहीं दिख रहा है इनको? दौलत है तो वो सत्ता छोड़ दें, फिर सत्ता में क्यों काबिज होकर बैठे हैं? जब देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दे दिया और प्रचंड बहुमत लेने के बाद भी आप कार्य नहीं कर पा रहे और कांग्रेस को कह रहे हैं तो आप सत्ता छोड़ो, हम सत्ता संभाल लेंगे। जिस महंगाई डैन को आप लेके आए उस महंगाई डैन आज बीजेपी डैन बन के देश की जनता को खा रही है। देश के अंदर बेरोजगारी बन रही है, देश के अंदर आर्थिक मंदी आ गई है, देश के अंदर स्मॉल स्केल का बिजनेस गिर गया है और वो महंगाई डैन बन के नोचती जा रही है। और उसके बाद कांग्रेस को कह रहे हैं आप, कांग्रेस ने देश को बनाया था। जिस बनावट के ऊपर आज आप खड़े हैं वो कांग्रेस की है, वो आपकी नहीं है। आपने 5 सालों के अंदर आज देश के अंदर विभाजन कर दिया, आपने धर्म के नाम से, मजहब के नाम को, इंसान को इंसान की जाति में इन्वॉल्व कर दिया और फिर आप मन की बात करके इमोशनल कार्ड कहते हैं। जब आप सदन के अंदर कहते हैं चर्चा करने की बात करते हैं तो उससे भग जाते हैं, क्योंकि सदन में आपको चर्चा करते समय डर लगता है और पब्लिक के पास आके आप इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। बंद करो, ये देश हिंदुस्तान का है, सबका है, मुझे मेरा वो हिंदुस्तान लौटा दो जिसके अंदर सब रहते थे और सुकून से रहते थे, मुझे वो हिंदुस्तान लौटा दो। मतलब इच्छा शक्ति कैसे चेंज हो गई कि आज पूरे भारतवर्ष का जो गरीब व्यक्ति है, जो रोज़मर्रा की चीज़ यूज करते हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो दूध है, चाहे वो और दूसरी चीज़ें हैं, और चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह से रोज़मर्रा की जो चीज़ यूज होने में की चीज़ें हैं वो इस भयंकर स्थिति में है कि आज इतनी महंगाई चरम सीमा पर छू गई है। एक आम आदमी को अपना रहना बड़ा मजबूर हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बेरोजगार की, बेरोजगार में अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो करीब यहाँ 10 लाख लोग बाहर माइग्रेटेड लोग हैं, जो एक लेबर हैं या दूसरे लोग या हाथ के काश्तकार हैं, कुछ जो अपना ये काम करते हैं, वो आज ऑलमोस्ट सब यहाँ से पलायन कर चुके और इस स्थिति में वो चले गए, भूखे मरने की स्थिति में हैं। उनके लिए कोई रोज़गार, अगर हम बात करें 6 साल की, मैं समझता हूँ कि 2 लाख भी रोज़गार अभी तक किसी भी युवा को, हम ये नहीं कह रहे क्या है, युवा वर्ग को जो आज सफ़र कर रहा है यहाँ पर इस देश में, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। मोदी जी कह रहे हैं देश में तो विकास हो रहा है, काहे का विकास है? अरे विकास होता तो आज 17 साल का होता। ये वो व्यक्ति है जिसने अपना परिवार नहीं पाला, वो देश को क्या पालेगा? GDP डाउन है। ये वो व्यक्ति है जो कहता है मैं तो झोला उठा के भाग जाऊंगा, देश के लिए अपना परिवार छोड़ गया। किसने कहा देश के लिए परिवार छोड़ गया है? वो बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को, मीडिया को भी भ्रमित करता है, वो बेवकूफ बना रहा है। उसे डिटेंशन सेंटर खोले हुए मुसलमानों के लिए, वो सब बेवकूफ बना रहा है वो बंदा। अभी विधानसभा चुनाव के बाद ये आएगा, माइनॉरिटी के ऊपर आएगा, इसलिए मैं मुसलमानों को भी सतर्क करना चाहते हूँ, ये उनको निकालेगा। 130 करोड़ वो लाइन में खड़ा किया जाएगा। ये दोनों अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी दोनों गुजराती, इन दोनों को गुजरात भगा देना चाहिए। अरे ये सब जो है पाखंडी है, ये सब पाखंड रचता है। केदारनाथ पे जाके कहता है मैं भर्म जो है बैठ के जो है शांति कर रहा हूँ, मन की शांति ले रहा हूँ। अगर वो मन की शांति लेना चाहता था तो मीडिया को साथ लेके क्यों गया? उसने अपनी TRP बढ़ाई है, केवल वो अपनी TRP बढ़ाना चाहता है, मीडिया को जो है भ्रमित कर रहा है, इस देश की जनता को भ्रमित कर रहा है, झूठे प्रलोभन देता है। उसने यहाँ भी रामलीला मैदान पे ये कहा कि मैं जो है NRC के और इसके ऊपर मुद्दे पे कोई बात ही नहीं थी, कॉलोनियों को जो रेगुलराइजेशन के बारे में बात थी। आज आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि एक भी कॉलोनी का कागज कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार सब कहते थे हमारे पास ऑर्डिनेंस ही नहीं आया, हम किस बात से आपको जो है रजिस्ट्री का हक दे दें, किस बात से? लोगों को भ्रमित कर रहा है, केवल ये एक स्टंटबाज है, जुमलेबाज है, पाखंडी है, जगलर है, एक तरह का भ्रमित करता है, जैसे मैजिशियन होता है ना, जनता के सामने ऐसे बॉल फेंकता है, इस तरह से जो वादों की लड़ी फेंकता है और लोगों को भ्रमित करके अपना जो है मिसमेरिज्म करता है, कोई इसका जनाधार नहीं है। लेकिन सर BJP का कहना है कि जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। कांग्रेस कहां से महंगाई बढ़ा रही है भाई साहब? किसानों को आज जो है लाले पड़े हुए हैं। आज हमारी कांग्रेस पार्टी जो है ये कह रही है हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट जो है कमर्शियल फ्री देंगे, 600 यूनिट लोगों को फ्री देंगे, उस बात को जो है भ्रमित करता है। हम जब वादे करते हैं निभाते हैं, 5-6 स्टेटों में हम आए हैं, हमने जो है इनको पूरा किया है, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाएंगे। आज 48 साल के अंदर कभी भी इतनी गिरावट पर देश की अर्थव्यवस्था नहीं आई है।